मौसम विभाग की सहायता के नाल 23 जुलाई 2023 तक के मौसम की गल करते हैं। तुहानू पहला ही यह दस्या जा चुका है कि जुलाई का अखीरला हफ्ता आते आते पंजाब के कई हिस्सों के फिर तो भारी वर्खा होगी, जिस दे विच भी है संभावना है कि जिहड़े एरिए हुण बचे हुए है, जो संगरूर च वर्खा घट हुई है, मानसा छड़ा ने मार मारती है लेकिन वर्खा मानसा च घट हुई है, फाजिलका विच घट हुई है, तो इस एरिए दे विच भी इस महीने के खत्म होंदे हुए वर्खा चंगी होने की संभावना है। परंतु आ जिहड़े लाल जे निशान दिसदे है ये पहला ही तरह खतरे के निशान ने, कितने भारी वर्खा भी ज़्यादा वर्खा भी हो सकती है। तो भारतीय मौसम विभाग का यह कहना है, जे आप हम 23 तक की पहला गल कर लीए कि 23 तक के मौसम के पंजाब ते हरियाणा के 22-23 एक अद्धा दिन अगे पिछे हो जाता हुंदा है भारी वर्खा हो सकती है। राजस्थान के 23 तरीक नूं गंगानगर हमान गंगानगर अति भारी वर्खा काफ़ी ज़्यादा वर्खा हो सकती है। तो इस दे नाल नाल जिहड़ा हैगा उत्तराखंड के 22 तरीक नूं अति भारी वर्खा हो सकती है, जम्मू कश्मीर अति भारी वर्खा हो सकती है, हिमाचल के हजे तीक जिहड़ा हैगा ये वर्खा होने की जी है संभावना बनी पई है भारी वर्खा। तो कुल मिला के हजे तीक जिहड़ा खतरा सीगा वह पूर्ण तौर पर नहीं टलिया, पहाड़ां दे विच बदल फटन दीआं कारवाइयां हो रही हैं जिहदे करके डैमां दे विच पानी दुबारा तो वध रहा है। हाँ, यूपी दे विच दिल्ली दे विच अगले कुछ दिन वर्खा घटेगी। तो आपां गल करिए सब तो पहलां पंजाब की, तो पंजाब दे विच 20-21-22 50-75% जदों कि 23-24-25 नूं 75-100% तक हिस्से जी वर्खा हो सकती है। हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली 20-21 नूं वर्खा केवल 25-50% एरिए होएगी, लेकिन उस तो बाद 50-75% उत्तराखंड के 75-100% हिस्सा वर्खा कवर करेगी। पछमी उत्तर प्रदेश में वर्खा घट रही है, 23-24 तो दोबारा वधेगी, 25 नूं वध के 50-75% एरिया वर्खा कवर कर सकती है। पछमी राजस्थान के अगले दिन 50-75% हिस्से वर्खा हो सकती है। हिमाचल के भाई लगभग सारे एरिए वर्खा हो सकती है। हुण पंजाब दे नालों मेरे ख्याल से साडे लई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हिमाचल किस तरीके का रहेगा। तो हिमाचल के जो असं देखते हैं 20-21-22-23-24-25 इत्थे सारे दिन ही जिहड़ा हैगा काफ़ी वर्खा होने की संभावना हैगी है, जिहदे विच इक्का दुक्का चिट्टियां भारी वर्खा दीआं हैगीआं, नहीं तो फिर मध्यम दर्जे की वर्खा तो हैगी है। फिर भी जिहड़ा हैगा 20-21-22-23 जुलाई के लिए हिमाचल के भारी वर्खा की वार्निंग आई हुई है, येलो रंग की वार्निंग है। हुण आपां अपने एरिए की गल करिए कि इत्थे किस तरीके का हिसाब, सब तो पहले न्यूमेरिकल मॉडल देख लीए की कहिंदा है। न्यूमेरिकल मॉडल कहिंदा है कि 20 तरीक नूं पंजाब के कई हिस्सों वर्खा हो सकती है, दक्षण पछम ते पूर्वी पंजाब दे विच ते दक्षण पछम हरियाणा दे विच ते गंगानगर हनुमानगढ़ च वर्खा घट होने की संभावना है। 21 तरीक नूं वर्खा वधेगी, परंतु आह जिहड़ा बैल्ट हैगा फरीदकोट एक कुछ हिस्सा फाजिलका का फिरोजपुर का इस हिस्से वर्खा काफ़ी चंगी वर्खा हो सकती है, तराई के इलाकों वर्खा हो सकती है, गंगानगर हनुमानगढ़ वर्खा वध सकती है। इन्हां दे अनुसार जिमें अगे जाने तो 22 तरीक नूं पहाड़ां दे नाल वर्खा ज़्यादा, दक्षण पछम के जिले च वर्खा घट है। इस तरीके दे नाल जो असीं 23 नूं जाने 23 नूं फिर आ जिहड़ा हिसार वगैरह का एरिया इहदे नाल लगदा राजस्थान है, जां इहदे नाल लगदा कि पंजाब है, संगरूर है, तुहाडा मानसा ये बठिंडे का कुछ एरिया है, इत्थे चंगी खासी वर्खा हो सकती है। अमृतसर तो उपरले पासे चंगी वर्खा हो सकती है, फाजिलका वाले पासे वर्खा घट है। तो आ जिहड़ा मेन सेंटर है ये लाल है, जिथे लाल सेंटर के इत्थे काफ़ी चंगी खासी वर्खा हो सकती है, गंगानगर के भी इस समय काफ़ी वर्खा हो सकती है, न्यूमेरिकल मॉडल दिखा रहा है। तो एक ही न्यूमेरिकल मॉडल दिखाता कि 24 फिर वर्खा वधेगी। आ जिहड़े लाल नीले तुहानूं इहदे दिख रहे टिमकने इहदा मतलब दिखा रहे कि इस एरिए काफ़ी खासी चंगी खासी वर्खा हो सकती है। 25 कई हिस्सों च वर्खा हो सकती है, यूपी च वर्खा दुबारा वध गई है 25 26 राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ ये थोड़ा बॉर्डर तो सेंटर वाले पास में जाओगे हनुमानगढ़ कई एरिए काफ़ी वर्खा होने की संभावना मॉडल दिखा रहा है। 27 तरीक गंगानगर के एरिए काफ़ी वर्खा हो सकती है, ये दिल्ली के वर्खा हो सकती है, दिल्ली नेड़े यूपी के रोहतक के करनाल के पंजाब के उत्तरी जिले काफ़ी ज़्यादा वर्खा होने की संभावना है। इस तरीके 28 तरीक 28 ठीक है सारे एरिए वर्खा घटती है। 29 तरीक साढ़े इतने वर्खा ठीक ठाक है, ज़्यादा घट नहीं हैगी, ज़्यादा वध भी नहीं हैगी, ये मॉडल दिखा रहा है। जेकर असी अगले कुछ दिनों का पंजाब का इस हिसाब किताब देखते हैं पंजाब से चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ के देखोगे कि अगे 22-23 भारी मीह आ जाता है, काफ़ी एरिया वर्खा कवर कर रही है। पंजाब के
21-22 तेई नूं काफ़ी एरिया वर्खा कवर कर सकती है। ये 22-23 नूं कोई थावां ते भारी वर्खा आ जाती है। हरियाणा के 22-23 दे नेड़े भारी वर्खा आ गई है तो काफ़ी एरिए च वर्खा वध सकती है। 20 नूं घट है, 21 नूं वधेगी, 22 नूं लगभग पूरा काफ़ी एरिया कवर होएगा। पंजाब दे विच जे असी जिलेवार देखिए, पठानकोट, गुरदासपुर, श्री अमृतसर, तरन तारण, ठीक है, ये हुशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, 20-21 नूं वर्खा काफ़ी एरिए हो सकती है, 22-23 नूं घट एरिया कवर करेगी, 24-25 नूं फिर इन्हां जिलों के काफ़ी वर्खा कवर एरिया कवर कर सकती है। ये मॉडल दिखा रहा है। फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, मुक्तसर, इन्हां जिलों के 20-23 नूं काफ़ी 50 तों 75% एरिए वर्खा हो सकती है। एक अद्धा दिन इधर उधर हो जाता, 21 नूं वर्खा घटती है, 22 नूं फिर 50 तों 75%, 23 नूं फिर काफ़ी एरिया वर्खा कवर करती है, 24 नूं, 25 नूं 50 तों 75% एरिया वर्खा कवर करती है। मोगा दे विच 24-23 नूं काफ़ी एरिए वर्खा हो सकती है, बाकी दिन 25 तों 50% एरिए वर्खा होने की संभावना है। श्री मुक्तसर साहब के 22-23 नूं जिहड़ा हैगा वर्खा 50 तों 75% एरिया कवर कर सकती है। बठिंडा 22-23 नूं वर्खा कवर कर सकती है, बाकी दिन 25 तों 50% एरिए वर्खा होएगी। तो इस तरीके लुधियाना, बरनाला 23-23 तक तो 25 तों 50% एरिए वर्खा है, लेकिन 24-25 नूं काफ़ी एरिया वर्खा कवर कर सकती है। मानसा च 22-23 नूं काफ़ी एरिए वर्खा हो सकती है। संगरूर के सारे दिनों के वर्खा ज़्यादा एरिया कवर नहीं करती, केवल 25 तों 50% ही रहिंदा। संगरूर पहला भी जिहड़ा हैगा वर्खा बहुत घट हुई है। फतेहगढ़ साहब के 25 तों 50% हिस्से वर्खा है, 25-23 नूं जाते जाते वर्खा 75% तक एरिया कवर कर सकती है। रूपनगर के अगले 2 दिन वर्खा 50 तों 75% एरिया कवर करेगी, फिर वर्खा घटेगी, फिर जिहड़ा हैगा 24-25 नूं काफ़ी एरिया वर्खा कवर करेगी। पटियाला दे विच 25 नूं, SS नगर दे 25 नूं वर्खा काफ़ी ज़्यादा हिस्सा कवर कर सकती है, उस तो पहला 50% एरिए वर्खा होने की संभावना है। वार्निंग की गल करोगे, पठानकोट पूरे पंजाब दे विच येलो रंग की वार्निंग है वर्खा की, ठीक है। भारी वर्खा जी है 22-23 नूं पठानकोट, गुरदासपुर के हो सकती है, ठीक है, ये हुशियारपुर के हो सकती है, नवांशहर हो सकती है, ये जी वार्निंग आई हुई है। ये साडा जिहड़ा इत्थे बठिंडे दे विच 22-23 नूं भारी मीह पै सकदा है, बठिंडे दे नाल नाल मानसा दे पै सकदा है। संगरूर दे विच वर्खा एरिया घट कवर कर रही है, परंतु मीह भारी पै सकदा है। फतेहगढ़ साहब दे विच वार्निंग हजे नहीं आई, रूपनगर च भारी मीह की वार्निंग आ गई 22-23 नूं, तां बाकी सारे पंजाब च येलो वार्निंग दित्ती हुई है। चंडीगढ़ तां मैं पहलां दस ही चुका है। ये आपां हुण हरियाणे की गल करिए, हरियाणा 20-23 नूं तां ज़्यादातर हिस्सा हरियाणे का इहो जिहा रहेगा जिथे वर्खा बहुत घट एरिया कवर करेगी, ठीक है। तो आप जो गल करिए एक जिले की गल शुरू कर देने, पंचकूला, अंबाला, यमुना के कुरुक्षेत्र 21-23 नूं ते 25-23 नूं काफ़ी एरिए वर्खा हो सकती है, बाकी दिनों 26 तों 50% एरिए वर्खा होएगी। कुरुक्षेत्र, कैथल 23 अते 25 नूं 50 तों 75%, बाकी टाइम 50% एरिए वर्खा हो सकती है। करनाल 21-22 नूं ते 25 नूं लगभग 75% तक वर्खा हो सकती है, बाकी दिनों 25 तों 50% एरिए वर्खा होने की संभावना है। महेंद्रगढ़, रवारी, जज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत पानीपत 21-22 नूं भी, तो सोनीपत पानीपत 22-23 नूं भी, बाकी सारे जिलों के 25-23 के लगभग जिहड़ा हैगा वर्खा 50 तों 75% एरिया कवर कर सकती है, बाकी दिनों के 25 तों 50% एरिए वर्खा होने की संभावना है। सिरसा, ये जिलों के नंबर आ गया हूँ जी, ये पहला इतने वर्खा घट हुई है। इन्हों दिनों के दरमियान सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी, दादरी, इन्हों जिलों का काफ़ी एरिया वर्खा 22 अते 23 तरीक के दरमियान कवर कर सकती है। बाकी दिनों भी यह नहीं कि मीह नहीं पेगा, बाकी दिनों वर्खा घट एरिया कवर करेगी, ठीक है। जेकर तुसीं वर्खा की गल करोगे, पूरे ही इत्थे हरियाणे दे विच येलो वार्निंग है, परंतु यमुनानगर के 22-23 दिन भारी वर्खा हैगी, यमुनानगर भारी वर्खा हो सकती है, कैथल च, करनाल दे विच भारी वर्खा हो सकती है, महेंद्रगढ़, रवारी दे विच 20-21-19 अते 20 दे दरमियान हो सकती है। इस तरीके दे नाल सोनीपत दे विच वर्खा भारी हो सकती है 21-22 दे नेड़े, पानीपत दे 21-22 दे नेड़े भारी वर्खा हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, इत्थे भी 21-22 दे दरमियान जिहड़ी हैगी भारी वर्खा देखण नूं मिल सकती है। इन्हां जिलों च पहलां वर्खा घट हुई है। गल करांगा मैं राजस्थान की, राजस्थान दे विच हरियाणे दे राजस्थान दे विच वर्खा काफ़ी एरिया कवर कर सकती, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर भारी अति भारी मीह की जी है वार्निंग आई हुई है। आपने गंगानगर की गल करिए, इतने भारी वर्खा हैगी 22-23 नूं, 21-23 नूं अति भारी वर्खा हो सकती है, पाली, नगौर भारी वर्खा हो सकती है, जोधपुर, जलौर, जैसलमेर,
ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਚੂਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਵੀ ਵਰਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਯੈਲੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਦਿਨ ਵਰਖਾ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਘਟੇਗੀ, ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਘਟੇਗੀ, 24-25 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਖਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਸਮ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈਗਾ 22-23-24-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੀਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।